नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब सच्ची बात की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं पत्रकार भी राजनेताओं की तरह सच्ची बातें कम करते हैं और झूठी बातें ज़्यादा लिखते हैं। ऐसा ही एक प्रभाव बन रहा है, ऐसा ही एक माहौल बन रहा है कि आज के पत्रकार सच्ची बातें नहीं करते, वो भी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। एक खबर छपी अभी थोड़े दिन पहले कि भारत सरकार शायद 2000 के नोट को बंद करने जा रही है, उनकी संख्या कम होती चली जा रही है, 2000 के नोट नहीं छपेंगे, ऐसी खबर किसी जगह छपी, बाकी जगह चलाई गई। उसके बाद सरकार के 3 सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं। तो ये कहाँ से आई खबर, कैसे आई? कि ये हो सकता है कि वहाँ की सर्कुलेशन थोड़ी 2000 नोटों की कम हो गई है, बैंकों के पास 2000 के नोट ज़्यादा हैं, सर्कुलेशन में कम है, परंतु प्रिंटिंग बंद हो गई या काम होने जा रही है ऐसी कोई सोचने की बात ही नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि झूठी बात कहाँ से आई? कई बार राजनीतिक नेता जो सत्ता में होते हैं विरोधी दलों को डराने के लिए भी इस तरह की स्टोरियाँ अखबारों में लिखवा देते हैं। 2000 के नोट अगर कम होंगे तो किसको नुकसान होगा? जिनके पास कैश नहीं है, क्यों? चुनाव आने वाले हैं, चुनावों पर कैश ही खर्च होता है, कैश ही राजा है, कैश के बिना चुनाव लड़ा नहीं जाता है। और हमारा जो चुनाव उद्योग है वो ऐसी लिमिट फिक्स करता है जानते हुए कि 35 लाख रुपए के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, परंतु वो कहते नहीं 35 लाख में लड़िए, कहीं पर कुछ और संख्या ज़्यादा होगी। खर्च होता है कम से कम एक एक कैंडिडेट का 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, मैंने देखा अपने चुनाव के अंदर 100-100 गाड़ियाँ लगती हैं, कई चीज़ें बांटी जाती हैं जो दिखाई नहीं देती। एक तमिलनाडु के अंदर तो कैश नोट बट रहे थे 2000 रुपए के लिफाफे के अंदर जाकर के। तो ये खबर इसलिए छपवाई गई क्योंकि लगे कि पॉलिटिशियन को, अपोजिशन पार्टीज के पास, कि वो चुनाव के अंदर पैसा नहीं होगा। ऐसे ही जब डी मोनेटाइजेशन हुआ था उस वक्त भी चुनाव आने वाले थे कि और विरोधी दलों के पास कैश नहीं हो, यूपी का चुनाव आने वाला था इसलिए ये लगाया गया कि 1000 के नोट और 500 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। भारत जो है उसके अंदर गरीब लोग जो ज़्यादा रहते हैं उनके पास 2000 के नोट वैसे ही कम होते हैं। 2000 के नोट क्यों लाए गए इसकी आज तक मैं अर्थशास्त्र मैंने पढ़ाया है और शास्त्र पढ़ा भी है, मेरे को नहीं लगता कि जितनी बड़ी संख्या में नोट होंगे बड़ी मात्रा वाले वो बड़े लोगों को फ़ायदा होगा। भारत की एवरेज इनकम जो है लगभग 60,000 रुपये साल की आती है। छोटे छोटे लोग जो हैं 80% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 20,000 से कम है, उनको 2000 रुपए के नोट की ज़रूरत क्या है? 2000 नोटों की ज़रूरत उनकी है जिन्होंने बिल्डिंग खरीदनी है, बड़े बड़े घर खरीदने हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, पेन खरीदने हैं, शॉल खरीदनी है, घड़ियाँ खरीदनी हैं, ऐसे महंगे कपड़े खरीदने हैं, उनको कैश देना उनके लिए 2000 के नोट अच्छे रहते हैं। एक ये था कि नोटों को हमने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, हमने सारा बैंकों में जमा करा दी, तब 18 लाख करोड़ रुपए कैश होते थे। आज 2 साल के बाद 20 लाख करोड़ कैश मार्केट के अंदर है। जो एक आइडिया था कि ब्लैक मनी कम हो जाएगी, लोगों के अंदर कैश कम हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो जो बड़े लोगों के पास 2000 के नोट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर 2000 लोग छापने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि गरीब आदमी जो लेबर का काम करता है उसको 100 रुपये का नोट चाहिए, 50 रुपये का नोट चाहिए, चाय तो उसने लेनी है, सब्ज़ी लेनी है, कुछ और स्कूल में जाके फिर बच्चों की किताबें लेनी है, उनके पास 2000 नोट की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है कि 2000 के नोटों की, तो 2000 नोट छापने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 2000 रुपये का नोट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अभी भी लोग 80% लोग जो हैं वो छोटी करेंसी यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या है कि 80% करेंसी जो कैश है वो 500 और 2000 के नोटों में है, केवल 20% छोटे नोटों के अंदर है, जबकि अमेरिका के अंदर 80% जो करेंसी है वो $20 से नीचे के नोटों की है और केवल 20% $100 के ऊपर के अंदर है। उसके कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका में लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हमारे यहाँ कोई 2 करोड़ लगभग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब मिलाकर के होता है और हमारी नेशनल इनकम इतनी है कि हमारा केवल 1 लाख करोड़ के सौदेबाजी होती है डिजिटल पेमेंट के नाते। इतनी बड़ी इकॉनमी के अंदर 1 लाख करोड़ होती है जबकि अमेरिका के अंदर 90% डिजिटल पेमेंट होती है। प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल मोनेटरी होनी चाहिए, तो ये खबर उड़ा कर के कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं इसके पीछे कोई आर्थिक कारण दिया जाता है समझ में आता, कोई बात नहीं है उसके अंदर। अब जब 20 लाख करोड़ रुपये कैश पड़ा है उसको किस तरह से प्रयोग करना है
कि भारतीय जनता जो है अभी भी कैश में विश्वास करती है, बैंकों में पैसा कम रखती है, अपने पास ज़्यादा रखती है। जब कैश की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब यह है कि लोग अभी भी कैश में विश्वास करते हैं। मेरा तो मानना यह है 2000 के नोट बंद कर देने चाहिए और 500 से नीचे के नोट होने चाहिए, 1000 का नोट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मनी अगर ख़त्म करनी है 2000 के नोटों को संभालना ज़रा आसान है, छोटी जगह में काफ़ी रुपए आ जाएंगे। अगर 100-100 रुपए के नोट संभालने पड़ेंगे ब्लैक मनी के अंदर, तो आपको बोरियाँ चाहिए, ट्रंक चाहिए, जो इतनी जल्दी छुपा नहीं पाएंगे आप। तो मेरे को लगता है कि अगर ब्लैक मनी को रियली कम करना है तो 2000 रुपए के नोट को बंद करके या कम करके छोटे छोटे नोटों को रखना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी है जो अब सब्जी लेने जाता है उसके बाद 2000 का नोट होता है, लोग वापस नहीं देते उसको। तो 2000 का नोट अगर कम करना है तो इसलिए करना है क्योंकि ब्लैक मनी कम करनी है। ये खबरें छपवा के, झूठी बातें सब जा करके एक एटमॉस्फेयर खरीद करना, जो भी पत्रकार करते हैं, राजनीति करते हैं, देश के, सच्ची बात यह है कि आजकल कोई सच्ची बात करने के लिए तैयार नहीं है।